नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। मैं शुभम एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में आ चुका हूं। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलरशिप एसोसिएशन के बारे में। जी हां दोस्तों, उसने एक रिपोर्ट दी है जिसमें बताया गया है कि इंडिया में कौन से स्टेट्स हैं जो टॉप थ्री की पोजिशन पे हैं रजिस्ट्रेशन के मामले में। जी हां दोस्तों, टॉप थ्री यानी कौन से तीन स्टेट्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन होता है, तो उसकी रिपोर्ट दी है और उसमें बताया गया है कि इंडिया में लगातार रजिस्ट्रेशन डाउन होता चला जा रहा है, मंदी का दौर आ रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूँ कौन से वो थ्री स्टेट्स हैं जहाँ पर ऑटोमोबाइल के ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, वो टॉप थ्री स्टेट्स के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और दूसरी चीज़ है कि मैं आपको बताऊँगा कि कितने परसेंट के साथ में रजिस्ट्रेशन ड्रॉप हुए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप आखिरी तक देखते रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि कितने परसेंट के साथ में ड्रॉप हुआ है रजिस्ट्रेशन, तो दोस्तों कार का जो रजिस्ट्रेशन है 4.6% के साथ में ड्रॉप हो चुका है इंडिया में। जी दोस्तों, यानी 4.6% के साथ में रजिस्ट्रेशन जो है इंडिया में ड्रॉप हुआ है। तो दोस्तों टू व्हीलर की बात करें तो टू व्हीलर में जून 2019 के मंथ में 5% के साथ में ड्रॉप हुआ है रजिस्ट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, 5% के साथ में जून के मंथ में इंडिया में रजिस्ट्रेशन जो है ड्रॉप हुआ है। तो दोस्तों जो फाडा ने रिपोर्ट दी है उसके अकॉर्डिंग 5.4% के साथ में ओवरऑल इंडस्ट्री जो है रजिस्ट्रेशन वो कम हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जो टोटल इंडिया में जो व्हीकल सेल होते हैं यानी उसमें कॉमर्शियल व्हीकल भी है, टू व्हीलर भी है, फोर व्हीलर भी है और जो भी कॉमर्शियल व्हीकल हैं उन सबको मिलाकर 5.4% के साथ में रजिस्ट्रेशन कम हुआ है। ये रिपोर्ट दोस्तों फाडा ने दी है, यानी तो फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलरशिप एसोसिएशन ने ये रिपोर्ट दी है। तो दोस्तों बात करते हैं कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। अगर हम सबसे पहले नंबर की बात करें जो सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो रहे हैं, तो दोस्तों वहाँ यूपी का नाम आता है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन 2019 के जून के मंथ में हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जो उसकी फिगर रही है दोस्तों वो रही है 293,905 गाड़ी। जी हाँ दोस्तों, 293,905 व्हीकल रजिस्टर्ड हुआ है जून के मंथ में उत्तर प्रदेश, और रहा है नंबर वन सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन करने में इंडिया में। अगर दोस्तों हम दूसरे नंबर की बात करें और तीसरे नंबर की बात करें, तो दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु। जो ओवरऑल जो फिगर है जो सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो पहले पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे पर महाराष्ट्र है और तीसरे पर तमिलनाडु। दोस्तों सेकंड पोजीशन पे है महाराष्ट्र, और जो महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन फिगर है वो दोस्तों है 156,716 गाड़ियां। जी है दोस्तों, 156,716 व्हीकल रजिस्टर्ड हुए हैं जून 2019 के मंथ में महाराष्ट्र में। अगर इसके बाद में हम बात करें थर्ड पोजीशन की, तो थर्ड पोजीशन पे तमिलनाडु है, और जो तमिलनाडु में रजिस्ट्रेशन हुए हैं दोस्तों वो है 149,698 गाड़ी। जी हाँ दोस्तों, 149,698 व्हीकल रजिस्टर्ड हुए हैं जून 2019 के मंथ में तमिलनाडु में। तो दोस्तों ये टॉप थ्री स्टेट्स हैं जो जहाँ पर इंडिया में सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं अभी, यानी उत्तर प्रदेश सबसे नंबर वन पे, सेकंड पर महाराष्ट्र और थर्ड पर तमिलनाडु है। तो दोस्तों अब मैं बात करूंगा कि प्राइवेट व्हीकल कौन से स्टेट, जो टॉप थ्री स्टेट्स हैं जहां पर प्राइवेट व्हीकल सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड हो रहे हैं वो कौन से स्टेट्स हैं। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पर फिर से आ जाता है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्राइवेट व्हीकल का रजिस्ट्रेशन हुआ है, और जो इसकी रजिस्ट्रेशन की जो फिगर है वो दोस्तों है 30,358 गाड़ी। जी हाँ दोस्तों, 30,358 व्हीकल रजिस्टर्ड हुआ है उत्तर प्रदेश में। अगर सेकंड पोजीशन की बात करें तो सेकंड पोजीशन पर दोस्तों महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र में जो फिगर है रजिस्ट्रेशन की दोस्तों वो रही है प्राइवेट व्हीकल की, वो दोस्तों 24,806 रही है। जी हाँ दोस्तों, 24,806 प्राइवेट व्हीकल रजिस्टर्ड हुआ है महाराष्ट्र में जून 2019 के मंथ में। अगर हम तीसरे नंबर की बात करूं तो तीसरे नंबर पर दोस्तों वैसे ही तमिलनाडु आता है, और तमिलनाडु की जो प्राइवेट व्हीकल की रजिस्ट्रेशन है दोस्तों वो रही है 18,288 गाड़ी। जी हाँ दोस्तों, 18,288 व्हीकल रजिस्टर्ड हुआ है महाराष्ट्र में प्राइवेट व्हीकल। अब हम बात करेंगे कि टू व्हीलर, यानी टू व्हीलर जो रजिस्टर्ड हुए हैं वो टॉप थ्री स्टेट्स जो हैं उसमें कौन कौन से हैं, और इसमें कितनी जो गाड़ियां रजिस्टर्ड हुई हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों हम फिर से अगर हम बात करें टू व्हीलर की, तो टू व्हीलर में जो है यूपी फिर से आ जाता है, यानी उत्तर प्रदेश फिर से नंबर वन है रजिस्ट्रेशन कराने में टू व्हीलर का। तो दोस्तों सबसे पहले इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होते हैं वो यूपी में होते हैं, दूसरी बात है
कि टू व्हीलर की बात करी जाए तो टू व्हीलर में भी यूपी नंबर वन है रजिस्ट्रेशन में। प्राइवेट व्हीकल की बात करें तो प्राइवेट व्हीकल में भी यूपी नंबर वन है रजिस्ट्रेशन में। अब इसमें हम बात करते हैं टू व्हीलर की, तो टू व्हीलर में यूपी सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन करता है और का जो फिगर निकल के सामने आया है रजिस्ट्रेशन का दोस्तों टू व्हीलर का दोस्तों वो है 255,812 गाड़ियां। जी हाँ दोस्तों 255,812 व्हीकल रजिस्टर्ड हुआ है टू व्हीलर यूपी में। अगर हम सेकंड पोजीशन की बात करें रजिस्ट्रेशन की टू व्हीलर की तो दोस्तों इस बार उलट फेर हुआ है, इस बार तमिलनाडु पहले आ गया है, महाराष्ट्र रहा है थर्ड पोजीशन पे और सेकंड पोजीशन पे तमिलनाडु रहा है। और तमिलनाडु की जो रजिस्ट्रेशन फिगर है दोस्तों वो रही है 1,24,534 गाड़ी। जी हाँ दोस्तों 1,24,534 व्हीकल रजिस्टर्ड हुआ है जून के मंथ में तमिलनाडु में। अगर थर्ड पोजीशन की बात करें तो थर्ड पोजीशन पर महाराष्ट्र आ जाता है और महाराष्ट्र की जो रजिस्ट्रेशन फिगर रही है दोस्तों टू व्हीलर वो दोस्तों रही है 1,18,453 गाड़ी। जी हाँ दोस्तों 1,18,453 व्हीकल रजिस्टर्ड हुआ है जून 2019 के मंथ में महाराष्ट्र में। तो दोस्तों फाडा ने पूरी रिपोर्ट दी है, उसने बताया है लगातार कि इंडस्ट्री जो है वो डाउन होती चली जा रही है, उनकी जो है डिमांड लगातार कम होती जा रही है, कई कंपनियों ने अपना प्रोडक्शन भी रोक दिया है। जो बड़ी फोर व्हीलर कंपनियां हैं उन्होंने अपना प्रोडक्शन रोक दिया, जो टू व्हीलर भी हैं उनकी भी उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है, बिलिंग है वो लगातार कम हो रही है। तो दोस्तों ऐसे वीडियोस मैं लाता रहता हूं जिसमें फिगर्स के बारे में डिस्कस करता रहता हूं, कहां कितनी गाड़ियां बिक रही हैं, कहां कितना रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कौन से स्टेट ज्यादा गाड़ी बेच रहे हैं, कौन सी कंपनी ज्यादा गाड़ी बेच रही है, ऐसे फिगर्स मैं लाता रहता हूं। तो दोस्तों ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप ब्लॉगर शुभम फैमिली से जुड़ सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है ब्लॉगर शुभम। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।